इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आज कसई गली बेलगाम में महज स्कूल जाने की बात कहने पर शाहिद करे खान शेख उम्र 12 साल ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। वालिद करे खान को शाहिद पहला लड़का, इसके बाद और दो लड़के हैं, लेकिन सबसे बड़ा लड़का महज 12 साल की उम्र में स्कूल जाने की हिदायत पर खुदकुशी करने की वारदात ने वालिदैन को झिंझोड़ के रख दिया है। स्कूलों को शुरू किया जा रहा है, सभी बच्चे फिर से स्कूल जा रहे हैं। पिछले 18 महीने से स्कूलों को कोरोना के मद्देनज़र बंद कर दिया गया था और यह हुकूमत की तरफ से फैसला लिया गया था, लेकिन फिर से स्कूलों को शुरू करने का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया है। कसई गली खड्डा जिसे कहा जाता है, वहाँ पर गरीब तबके की बस्ती है जहाँ पर बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लिहाजा करे खान ने भी अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था। वालिद ने कही, स्कूल जाने के बाद शाहिद को इतनी नागवार गुजरी के इसने अपनी जिंदगी को ही वक्त से पहले खत्म कर दिया। मार्केट पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया गया। सीपीआई मल्लिकार्जुन तुलसीगिरी ने मौके वारदात का जायजा लिया। महज 12 साल के शहीद ने खुदकुशी कर माशरे को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां बच्चों के तमाम ख्वाहिशों को पूरे करने की कोशिश करते हैं, फिर गरीब हो या अमीर हो, लेकिन परवरिश में कहीं तो भी गलतियां हमारे हाथ से होती रहती है और कहीं तो भी हम गलतियां कर बैठते हैं जिसका अंदाजा वालिदैन को नहीं होता। किस माहौल में किस जहनीत के आदि बच्चे हो रहे हैं, इसका इल्म वालिदैन को जरूरी है। आखिर उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब वक्त से पहले ना समझे में इस तरह के फैसले औलाद की जानिब से लिए जाते हैं। जो भी हो, पर शाहिद की मौत ने एक तरफ वालिदैन को बड़ा सदमा पहुंचाया। इस वक्त वहां साबिक कारपोरेटर बाबूलाल मोजावर और मोहसिन रोडीकर भी मौजूद थे। सीरत कमेटी बेलगाम की जानिब से आज एक बार फिर मिलादुन नबी के जुलूस की इजाजत का मुतालबा पेश किया गया था, लेकिन पुलिस इंतजामिया की जानिब से गाइडलाइन के मुताबिक जुलूस को किसी तरह इजाजत न होने की बात एसीपी चंद्रापा और एसीपी कट्टीमणि साहब ने बताया। उन्होंने सीरत कमेटी के जिम्मेदारान, उलमा, कारपोरेटर्स और मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान ने भी बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना वबा के चलते जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई थी, पर अब मुख्तलिफ मजाहिब के जुलूस, चुनावी रैलियां, मेलों का एहतमाम किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस को भी शुरू किया गया, लिहाजा मुसलमानों के लिए मिलादुन नबी का मखसूस मकाम है। कुछ गाइडलाइन के तहत इजाजत तलब की गई। आखिर में इंतजामिया ने कहा कि अगर ईद मिलाद को लेकर जो भी गाइडलाइन हुकूमत की जानिब से आएंगे उस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल किसी तरह जुलूस की इजाजत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। इस वक्त तमाम कारपोरेटर्स, सीरत कमेटी के जिम्मेदारान, उलमा और दीगर हजरात मौजूद थे। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नज़र। किस तरह पूरे मुल्क में संघी विचारधारा दंदना रही है, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता। बेलगाम के अरबाज मुल्ला का कत्ल रामसेना के कुछ गुंडों ने करने की बात तो वाजह हो चुकी है। इसी तरह पूरे मुल्क में फिरका परस्तों ने नफरत के शोलों में झोंकने का पूरा मंसूबा बना दिया है। कर्नाटक में कुल 60 से भी ज्यादा मामले इस तरह के होने की बात कही जा रही है, जहां मजहबी तशद्दुद को फैलाने की कोशिश की गई। सूरतकल में भी इसी हफ्ते मेडिकल कॉलेज के तलबाओं को इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि कुछ कॉलेज के लड़का लड़कियां माल पे बीच पर घूमने के लिए गए थे। इसका मतलब सिर्फ मुस्लिम होने की बिना पर उन्हें पीटा गया ताकि इस तरह का माहौल बना रहे। अब इन्हें कानून अदलिया का डर नहीं रहा, बेखौफ कानून को अपने हाथों में लेने का जैसे सर्टिफिकेट ही इन्हें दिया गया हो। मुल्क के किसान जिन पर गाड़ी से रौंद कर जान ले ली गई, इस वारदात का जिक्र भी करते हैं तो शर्म से गर्दन झुक जाती है, क्योंकि आज़ादी के बाद तो दूर की बात, अंग्रेजों ने भी कभी मुल्क को आज़ाद करने के लिए एहतजाज करने वाले उन मुजाहिद आज़ादियों के ऊपर इस तरह गाड़ी कभी नहीं डाली और ना तो गाड़ी से उन्हें रौंद दिया गया। ऐसा नहीं कि मुल्क के वजीर आज़म को तमाम वारदातों का इल्म नहीं होता, लेकिन जब इख्तदार पसीर हुकूमत लाशों की सीढ़ियों के जरिए ही इख्तदार हासिल करना चाहती है तो इसका एहसास भी मरना जरूरी होता है। इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर कुत्ते का बच्चा भी कार से कुचल दिया जाता है तो दुख होता है, फिर क्या बात है कि 8 किसानों की बेदर्दी के साथ इन्हीं के भाजपा लीडर ने गाड़ी से रौंद दिया तो 2 लफ्ज अफसोस के इनकी जबान से नहीं निकले। तो यहाँ मरकजी वजीरों का एहसास खत्म होता दिखाई दे रहा है। इन्हें सिर्फ इख्तदार चाहिए और इख्तदार नफरत के शोलों से ही हासिल हो सकता है, इसका यकीन इन्हें पिछले कुछ चुनावों से बतौर तजुर्बा हासिल हो चुका है। लखीमपुर कत्ले आम का जो ताज़ा वीडियो वायरल हो रहा है, उसने भाजपा और गोदी मीडिया के जरिए 3 अक्टूबर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। झूठ के हवा महल को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची कि
मोदी के वजीर अजय मिश्र टेनी ने किसानों को 2 मिनट में ठीक कर देने की जो धमकी दी थी, उनके लाडले ने 3 अक्टूबर को उसे ही सच कर दिखाया था। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इत्मीनान बख्श एहतजाज पर किस तरह जानबूझकर किसानों के जिस्म पर गाड़ी चलाई गई। वीडियो से बिल्कुल साफ है कि एहतजाज से लौट रहे किसानों पर धोखे से पीछे से गाड़ी चलाई गई। कातिलों का निशाना शायद तेजिंदर सिंह विर्क थे, जो तराई किसान यूनियन के जांबाज काईद और संयुक्त किसान मोर्चा के वर्किंग कमेटी के मेंबर है। 26 जनवरी के अहम तरीन और सबसे नाजुक नतीजे कन लम्हों में राकेश सिंह टिकैत सबसे बड़ी ताकत बनकर उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर एक बेमिसाल किरदार निभाया, जिसके लिए किसान आंदोलन उनका हमेशा एहसानमंद रहेगा। वे फिलहाल मेदांता अस्पताल दिल्ली में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। किस तरह किसान एहतजाज को दहशतगर्दी से जोड़कर नाकाम करने की कोशिश मोदी योगी शाह ने की है, इसे भी समझने की जरूरत है। ठीक जिस तरह 26 जनवरी को खालिस्तान से जोड़कर सिखों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रवादी शिद्दत को उभार कर कत्लेआम करने और किसान एहतजाज को कुचल देने की साजिश रची गई थी, ठीक वैसे ही तराई इलाका जहां सिख किसानों की बड़ी आबादी है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ किसान एहतजाज का यूपी में सबसे मजबूत इलाका है, जो अवध और पूर्वांचल में एहतजाज के उसत का लॉन्चिंग पैड बन रहा है, वहां बब्बर खालसा और खालिस्तान की कहानी गढ़कर सिख किसानों के खिलाफ ध्रुवीकरण करने, एहतजाज की कयादत को ही खत्म कर देने की मंसूबाबंदी इसी भगवा ब्रिगेड की जानिब से की जा रही है। पर्दे के पीछे सूत्रधार और होंगे, पर इसे अंजाम दिया गया है मोदी के नए नवेले रियासती वजीर दाखला अजय मिश्र टेनी के जरिए से, जिन्हें हाल ही में इंतखाबात के मद्देनजर मकसूद तबके के चेहरे के तौर पर लाया गया था। लिहाजा मोदी के भरोसे को ईमानदारी से अंजाम देते हुए किसानों का खूनी खेल इसी वजीर ने खेला। विपक्ष को इसी के जरिए दबाने की भी कोशिश की गई, अखिलेश प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, लिहाजा इसकी कीमत मोदी योगी सरकार को चुकानी पड़ने वाली है। आने वाले चुनाव में भाजपा हुकूमत के ताबूत के आखिरी कील साबित होने के इम्कान बहुत रोशन हो चुके हैं। नफरत की आग में पूरे रियासत और देश को झुलसाने, आवाम के इत्तेहाद भाईचारे को खत्म करने की और चुनावी नैया को पार कराने के लिए अनगिनत साजिशें भाजपा की जानिब से की जा रही है। मेहनत कश अवामी इज्तमाइयत माशरा जमहूरी कुव्वत अवामी इनकलाब की ताकतों को विपक्षी पार्टियों को मुत्तहिद होकर फिरका परस्त फैसिस्ट ताकतों का सभी को मुकाबला करना चाहिए। सभी मकसद अव्वल होना चाहिए, सभी के लिए मकसद अव्वल होना चाहिए और सड़क पर या बैलेट पर दोनों महाजों पर इन्हें शिकस्त देना होगा, तभी इस लोकतांत्रिक ढांचे का तहफुज हो सकता है। वरना सरकारी ताकतों, सरकारी एजेंसियों, पुलिस के जरिए मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाकर इसी तरह सत्ता की ताकत से मजदूर किसानों को बेरहमी से कुचला जाएगा। पूरे देश को किसानों के साथ खड़े होकर मुल्क में एक और तब्दीली लाना होगा और लखीमपुर से किसानों ने एक बार फिर कुर्बानी देकर इस जंग को आगे बढ़ाया है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।